गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास UKG. टूडे आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट इंग्लिश. सो लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर नंबर 20. द नेम ऑफ चैप्टर इज यूज ऑफ वाज एंड वर. यूज ऑफ वाज एंड वर. वाज और वर का प्रयोग करना है. वाज मीन्स ये, वॉज और वर दोनों पास्ट टेंस के वर्ब हैं. इनको सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है. वॉज सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है और वर प्लूरल के साथ. चलिए आगे देखते हैं. वॉज इज़ यूज्ड इन पास्ट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. देखिए अभी बता रहा है यहाँ पर वॉज का यूज़ पास्ट विथ सिंगुलर पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. एग्जांपल आई ही शी एंड इट के साथ. वर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट. वर का यूज WERE वर का यूज प्लूरल मतलब एक से ज्यादा जहां पर होते हैं सब्जेक्ट वहां पर वी यू एंड दे के साथ किया जाता है. तो ये था आपका वॉज और वर का प्रयोग. देखिए आइए देखते हैं. यहाँ फिगर में आपको टू पर्सन दिख रहे हैं तो दे एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर दे वे दे वर ईटिंग वे खा रहे हैं थे वर मीन्स थे वे खा रहे थे. शी वॉज रनिंग वह दौड़ रही थी. दे वर रनिंग वे दौड़ रहे थे. ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था. ही वॉज स्टडिंग वह पढ़ रहा था. He was playing, वह खेल रहा था. I was eating, मैं खा रहा था. They were studying, वे पढ़ रहे थे. We were playing, हम सब खेल रहे थे. तो ये थे आज के चैप्टर में was और were का प्रयोग. Was और were दोनों पास्ट टेंस के वर्ब हैं. इनको सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. सिंगुलर आई ही शी इट ये सब प्रोनाउन सिंगुलर हैं और वी यू दे ये प्रोनाउन जो हैं ये प्लूरल हैं. तो ही हैं वी यू दे के साथ वर आई ही शी इट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है. पेज नंबर 41 आपको होमवर्क में भेज दिया जाएगा. यहाँ देखिए शी सी द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज आर वर. पिक्चर्स को देखकर हमें वॉज और वर को फिल करना है. दे यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं दे और सब्जेक्ट है तो वर स्टडिंग यहाँ पर वर. आई अकेले हैं मैं तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज सिंगिंग. ये वर्क आपको होमवर्क में भेज दिया जाएगा. आपको होमवर्क करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.